हम नेट तथा फैब्रिक को मिक्स करके डिजाइन बनाना सीखेंगे। इसकी कटिंग मैंने कर ली है। इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 11.5 इंच ली है। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है और आर्म होल 5.5 इंच। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक का निशान हमें 8.5 इंच पर लगाना है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है। यहाँ पर भी हम एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई का शेप दे देंगे और हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब हमें डिजाइन वाले कपड़े पर गला ड्रा करना है। और दूसरी तरफ भी इसको बना लेना है। ये मैंने इस पर गला बना लिया है और यहाँ हम सेंटर से इसको इस तरह से गोलाई में ले जाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर हम ये नेट अटैच करेंगे। इस तरह से हमें नेट को बिछा लेना है और जो निशान मैंने लगाया था उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है और इस कपड़े को हम कट कर देंगे। इस तरह से मैंने नीचे की तरफ वाले कपड़े को भी कट कर दिया है। अब हम अस्तर को रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गले के चारों ओर हमें सिलाई लगानी है। मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब अंदर वाले पार्ट को हम कट कर देंगे। और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इससे हमारा गला पलटने में फिनिशिंग आती है। अब हम इस तरह पलटकर अस्तर पर एक सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है हमारी सिलाई अस्तर वाले कपड़े पर रहे। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है और अभी हम इसको सीधा नहीं करेंगे। नीचे की तरफ भी इस तरह पलटकर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली है।
और इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है और इसके किनारे पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने नेट कलर का, जिस तरह का मेरा नेट है उसी कलर की मैंने पट्टियाँ निकालनी हैं। ये मैं उरेब पट्टियाँ निकालूंगी। इस तरह से मैंने उरेब पट्टियाँ निकालनी हैं। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। हम इसको डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सारी पट्टियों में सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ से हमने नेट अटैच किया था वहीं से हमें पट्टी को रखना है। इस तरह से इसको हमें उल्टी साइड से रखना है और हम सीधी तरफ इसको पलट देंगे। मैंने जो सिलाई पट्टी को सेट करते टाइम लगाई थी, दूसरी सिलाई भी ठीक उसी पट्टी की सिलाई पर रहे। इस तरह से सारी सिलाई हम लगा लेंगे और इसको सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। यहीं पर हम एक दूसरी पट्टी भी अटैच करेंगे और इसको इधर की तरफ पलट देंगे। दोनों पट्टियों में हमें लगभग 1/2 इंच की गैपिंग रखना है। इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हम इधर भी इस पट्टी को अटैच करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। हमें यहाँ से पट्टी अटैच शुरू करना है। इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और इसको फिनिशिंग भी दे दी है। हमारी सारी पट्टियाँ अटैच हो गई हैं। इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। हम यहाँ पर एक बटन अटैच कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।